आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। मार्केट टाइम्स टीवी के तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर। हरियाणा में इस बार सरसों और गेहूं की फसल MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर बिक रही है। निजी कंपनियां सीधे किसानों से गेहूं की फसल खरीद रहे हैं। वहीं सरसों की फसल का भाव MSP से 1500 रुपए से 2000 रुपए तक अधिक में बिक रहा है, जबकि गेहूं का फसल भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30 से 50 रुपए तक से अधिक में खरीदा जा रहा है। गेहूं की कीमतों में उछाल के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध का कारण बताया जा रहा है। वहीं रूस दुनिया का सबसे बड़ा और यूक्रेन तीसरा गेहूं निर्यातक देश है। 2021-22 के दौरान रूस से 3.5 करोड़ टन और यूक्रेन से 2.4 करोड़ टन निर्यात होने का अनुमान था। दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते आपूर्ति बाधित हो गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इस कारण अन्य देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। अनुमान है कि इस बार देश में 70 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं का निर्यात हो सकता है। अकेले मार्च में ही 7.85 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया जा चुका है। हरियाणा की बात करें तो इस बार 25.50 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।